दिवाळीनंतर कार्तिक महिन्यात उत्तर भारतात छठ पर्व मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत असतो. त्यानिमित्त खांदा कॉलनी आणि खारघर येथे छठपूजा उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विविध ठिकाणी भेट देऊन छठपूजेचे दर्शन घेतले. खारघर येथे छठ पूजेसाठी आलेल्या भाविकांना भाजपच्या वतीने फळांचे आणि नाश्त्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक हरीश केनी, प्रवीण पाटील नगरसेविका हर्षदा उपाध्ये, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद केनी, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष विनोद घरत, अमर उपाध्ये, महिला मोर्चाच्या गीता चौधरी, तसेच खांदा कॉलनी येथे छठ पूजेच्या वेळी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, मनोहर म्हात्रे, भाजप नेते भीमराव पवार, वंदे मातरम संघटनेचे मोतीलाल कोळे, युवा मोर्चा पनवेश्वर उपाध्यक्ष अभिषेक भोपी, रामनाथ पाटील, जितेंद्र तिवारी, अवधेश शुक्ला, अनुप शर्मा, श्रवण झा, अवधेश शुक्ला, अनिता देवी, धर्मेंद्र सिंह, सुनीता सवेना यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मैं सबसे पहले आप सभी को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं. आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी के लिए परमेश्वर से और छठ मैया से कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, बनी रहे और समाज में किसी भी तरीके का काम हम सभी करते रहें. अपने काम के माध्यम से हम भगवान का और उसी के साथ साथ हमारे समाज के सारे सभी लोगों का स्नेह अर्जित करें. आज हम सब लोग अगर इस व्रत को मना रहे हैं तो उसके पीछे अगर सबसे पहला योगदान किसी का है, सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन का कवच हमारे पीछे खड़ा किया और इसके लिए हम सारे लोग मिलकर चैन की सांस ले पा रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि ये महामारी अभी भी पूरे विश्व में, चाहे यूरोप होने दीजिए, चाइना होने दीजिए, बहुत सारे जगह पे फिर सर निकाल रही है. तो ऐसे में अगर हमारे घर में कोई भी ऐसा है 18 साल से ऊपर है और उसका वैक्सीन अगर नहीं हुआ है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका वैक्सीन जल्द से जल्द करें. हमारे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे या 1800 या 1900 या 2000 रुपए की वैक्सीन होने दो, दोनों के दोनों डोज, लेकिन दोनों के दोनों डोज आपको फ्री में करा के दिए हैं. तो ये उनकी देन है, केंद्र सरकार की देन है. इसको हमें इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए. अपने परिवार को ये कोरोना सुरक्षा का कवच हमें ज़रूर पहनाना चाहिए. आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हमारे लिए जो सौगात दी है उनको धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.